सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आज है हमारा संडे ड्राइव यानी कि 21 मार्च और अभी बज रहे हैं सुबह के .6:30। हम लोग गुड़गांव ही रुके हुए थे मेरे दोस्त के घर पे, वो और उसकी वाइफ जो थे वो हमारे साथ थे। और हमारे साथ और कौन थे? हमारे साथ थे हमारी वाइफ यानी कि आकृति गोयल, ठीक है, जो कि अब आकृति जोशी बन चुकी है। और मेरे साथ था मेरा भाई वंश सदाना, ठीक है भाई। तो वंश भाई जो है वो हमारे नए कंपेनियन है, मतलब वैसे तो पुराने कंपेनियन है लेकिन अब हमारी जो ट्रिप्स होगी, जितनी ट्रिप्स होगी भाई उसमें आप लोगों को जो है हमारे भैया देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि आज वाली ट्रिप से हमारे बहुत ज्यादा हाई होप्स है अपने को लेके, साथ में इस गाड़ी को लेके। लेकिन एक चीज जो हमारे आज ड्राइव के पार्ट में होगी, मोस्ट प्रॉब्ली हमें आज ज्यादा लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यूजली जब हमारी ड्राइव होती है तो हमें 70-80 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इस वाले में जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक साइड ही करीबन 160 किलोमीटर है और आना जाना कितना हुआ, 320 किलोमीटर की ये ड्राइव है और करीबन 8-9 घंटे ट्रैवलिंग के है और बाकी रुकने के 2 घंटे और है, तो मतलब 11 घंटे इसके लिए स्पेयर चाहिए। तो मेरी हाई होप्स नहीं है लेकिन होप फॉर द बेस्ट, अगर हमारे साथ दो लोग भी और अच्छी तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाते जाएंगे तो वंश हम क्या कर देंगे फिर, धमाल मचाते पहुंचेंगे और वापसी सबको जल्दी लेकर जल्दी आएंगे, क्योंकि रात को हमारे थोड़े से प्लान्स है, क्योंकि हमारे एक दोस्त का बर्थडे है तो हमने उस पे भी जाना है। तो जिसमें हम कल रात नहीं सोए हैं, रात को सोए, मतलब हम लोग थोड़ा लेट सोए क्योंकि सब दोस्त लोग तो बैठे हुए थे साथ में, सोए हैं 50-55 मिनट, ठीक है। सो गाइस वी आर लीविंग एंड अभी हम लोग है हमारी धन्नो के अंदर, और जैसा हम लोग हर ट्रिप स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं जय चिताई गोलू देता हर हर महादेव, और भगवान जो है वो सब कुछ अच्छा करेगा। अभी घंटी नहीं लगी है, घंटी आ चुकी है लेकिन हमने भगवान का इधर ये टच कर दिया और हमारे उसमें माता रानी का वास है। तो लेट्स लीव गाइस। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। तो गाइस हम लोग रुके हैं हवा भरवाने, तो आइए एक बार आपको मिलाते हैं सुबह सुबह काम करने वाले हवा वाले भैया से। सो इट्स अर्ली मॉर्निंग, कोई है नहीं, सो इसलिए राहुल हवा डाल रहे हैं। और कितने हो गए भैया? भैया अभी 32 हुई है, 35 डालनी है। हो गई भैया, हो गई, वेरी नाइस, वेल डन, गुड जॉब। अब चारों टायर में ऐसी हवा भरनी है, चारों टायरों में हवा की जरूरत है नहीं, हम चेक कर लेते हैं। भाई मुझे कुछ घपला लग रहा है इसमें, क्योंकि ये तो हवा कम दिखा रहा है। चलो देखते हैं कैसा रहता है फिर। स्टार्ट। गाइज अब हम लोग गुड़गांव की साइड से आ रहे हैं, नॉर्मली हम लोग द्वारका की साइड से आते हैं तो ये रजोकरी वाले रूट से जो है हम लोग यू टर्न लेते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या माहौल है, क्या माहौल बना हुआ है अभी उधर, ये देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आज की लोकेशन जो है बहुत दूर है, सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन में हम खरे उतरते या लोग खरे उतरते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। 5-4 तो मैंने डाल दिया स्पोर्ट्स मोड में। 3-2-1 अभी सबवे तो आंदो, अभी शो टाइम नहीं बोला। अभी शो टाइम क्या हुआ? एंड इट्स अबाउट टू बी शो टाइम। हां मुझे कुछ लाइट चलती हुई तो दिख रही है। लाइट दिख रही है? हां, तो यानी अपने भाई बंधु जो है वो पहुंच चुके होंगे। अब लेट्स सी, ये गाड़ी उल्टी खड़ी है क्या? अच्छा सीधी है, अभी एक ही दिख रही है मेरे को, एक ही गाड़ी है ये क्या? नहीं ये तो हमारे भैया है साथ वाले जो है, आगे भी चेक कर लेते हैं लोग, कई बार ना आगे भी खड़े होते हैं। हेलो भैया, क्या हाल है भैया? बस बढ़िया भैया, मेरी ओर से आगे खड़े हैं लोग थोड़े। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आ जाओ, ओहो ये नहीं, सॉरी, ये तो बाइकर्स गैंग है, दिस इज बाइकर्स गैंग है और ये हमारा गैंग है। भाई इतनी सारी गाड़ियां जो है आप लोग जो देख रहे हो, इट्स ऑल लव, सब भाई आ चुके हैं भाई, ऑलरेडी ब्रो, नाइस यार काफी लोग आ गए। सो भाई देख लो, क्या पता भाई अब ये सीन हो सकता है कि कई सारे लोग जो है वो 20 से कट जाए, मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसा ही होगा बिकॉज इतनी दूर आई डोंट थिंक सब लोग जाएंगे। अब बाकी वहां जाके देखते हैं कि कितने लोग हमारे साथ कंटिन्यू रहते हैं, ये हमें देखना जरूरी है भाई। चला जाए फिर बाहर, ये लो, चलो तो फिर तुम लोग कैमरा ले चलो ना, इसके बाद का ये हथियार तुम्हारा, चलो लेट्स गो।
गाइस फाइनली हम लोग जो अपने स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और क्या हाल है भाई? भाई से नींद नहीं आई, हम भी नहीं सोए रात से भाई। एक बार आप लोग थोड़ा सा देख लो, लाइनअप जो है तैयार हो चुका है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियां जो है आज हमें देखने को मिलने वाली है। कम लोग आए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग जो थे वो रॉन्ग थे, क्योंकि आई कैन सी मैनी पीपल है, और मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं कितने लोग जो हमारे अलवर तक पहुँचे। यहाँ पर भाई अपने थोड़े पुराने शक्ल वाले जो बंदे हैं वो सारे के सारे फेसेस जो है वो आ चुके हैं। क्या हाल है भाई लोग? बढ़िया सब बढ़िया भाई। लेट हो गया भाई, लेट नहीं, 6:30 बजे मीटअप का टाइम था, अभी और लोग आ रहे हैं तो 7 बजे तक पता नहीं क्या हो गया, आए नहीं अभी तक। नहीं भाई यार, और बताओ सब बढ़िया है भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। और क्या चल रहा है भाई, कुछ नया ताज़ा बताओ, मौसम कैसा है? बढ़िया, ठंड है आज थोड़ी है, आज ठंड है, आज ठंड लगे। आज क्या हुआ भाई, तुमने कुछ वो आग वाली चीज कराई थी गाड़ी में? वो अभी उसमें पेंट में गई है, अंदर प्रोसेस है। तो फिर आज कौन सी गाड़ी लेके आए? आज हम ये लाए हैं, और भाई लोगों से आप लोगों को मिलवाते हैं, ठीक है। बहुत सारे भाई लोग हैं इधर, क्या हाल है भाई लोग? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया भाई। एक बार जोश तो सुनाओ भाई, कैसी आवाज वाला, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया भाई भी आ बोल रहा हूँ तो पहुँचेंगे। तो जैसे हमने बोला अलवर तक, देखते हैं कितने सारे हमारे भाई जाएंगे। और भाई क्या कुछ आज नई चीज लेके आए हो? बिल्कुल भाई, 20 इंची लाया, 20 इंची हो गई ना, 20 इंच संडे तक सीढ़ियाँ तैयार हो जाएगी। अच्छा सीढ़ियाँ तैयार हो रही है, बॉडी की टोपी डीप चल रहा है, सनरूफ हो गया भाई। दादा सबसे पहले काम जो करना, एक लेन में लगा देते गाड़ी है ना, थोड़ा सा फिर हमारे लिए वीडियो भी ईजी हो जाएगा लेने के लिए। क्या चल रहा है भाई? मैं तो भैया पहली बार आया हूं। आ जाओ भाई, भाई के चैनल का नाम बताओ पहले। रॉबिन सिंह नाम से चैनल है। रॉबिन सिंह के नाम से मैं मोस्टली डेली व्लॉग्स डालता हूँ। मैं पहली बार राइड पे आया हूँ कार की, बाइक पे जा रहा हूँ छोटे, लेकिन कार की अब ये कह रहा आगे कोई बंदे ही नहीं आए, आपके सारे तो अब क्या सीन है? अलवर जा रहे हैं तो मोस्टली थोड़ा सा लंबा वाला रूट है, तो भाई आराम से चलना है इस बार, कोई ज्यादा तेजी में नहीं चलना इस बार, क्योंकि आराम आराम से चलेंगे। ठीक है भाई, गाड़ी लगाते हैं एक बार सीधी ना, उसका स्टार्ट करेंगे। तो गाइस जैसा बोला कि मोस्ट प्रॉब्ली जो है सब लोग जो है अलवर तक नहीं ज्वाइन करेंगे, जहाँ जहाँ तक जिस जिस का पॉइंट बनेगा वहाँ वहाँ तक ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो भाई वंश के लिए जो है ये हमारी पहली ड्राइव है, ठीक है। विशाल भाई जो है वो हमारे साथ नहीं है अभी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया विशाल भाई जो है वो कुछ काम में लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों के पास अपडेट आएगा। कैसा लग रहा है भाई ड्राइव में? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, पहला एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, ऐसे तो नहीं बोल रहा भाई, ड्रीम है ये तो, कार्स का शौक, रेसिंग बहुत अच्छी बात है। तो भाई भैया हमारे साथ है, क्या लगे? अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताया था, हमारा जो अलवर वाला ये प्लान बना है, सबसे पहले मैंने भैया से बात कर ली थी, ठीक है भैया हमें लोकल सपोर्ट है, पूरा लोकल सपोर्ट है। तो अच्छा एक चीज़ अभी सुनने में आई है कि जहाँ पर हम किले में जा रहे हैं वहाँ पर शायद से कुछ एंट्री की दिक्कत है, कुछ ऐसा है? एंट्री की दिक्कत मैंने पता किया था, तो अभी पैंथर अटैक वगैरह हो रहे थे, तो पैदल जाने वालों को बंद किया है, गाड़ियाँ जाएगी। तो मतलब गाड़ियाँ जब लेके जाएंगे तो मतलब लोगों की दिक्कत तो नहीं है? नहीं मतलब रोड सही है। हाँ रोड भाई, आसपास के लोगों का मैं एक बार रिस्पॉन्स देता हूँ। भाई भाई ने ना कुछ बताया है, आप लोग कहाँ तक चल रहे हो हमारे साथ? जहाँ तक आप ले चलोगे। जहाँ तक भाई हम तो थाईलैंड जा रहे हैं भाई। चलो भाई अभी सीन क्या है अलवर में, जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर क्या हुआ अभी बताना? पैंथर अटैक वगैरह हो रहे थे, तो पैंथर अटैक हो रहे थे वहाँ पर, तो अभी वहाँ पर चलना अलाउड नहीं है, मतलब आप गाड़ियों से उधर जा सकते हो लेकिन आप उतर नहीं सकते। तो कुछ ऐसा है मतलब एक्साइटमेंट है कुछ पैंथर देखने की? देखने की तो एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग सबका एक बार लाइनअप लगवा लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मिलते हैं। हाँ फिर वीडियो लेते हैं, फिर आप लोगों से अगर कुछ लोग और ज्वाइन करते हैं उनसे बात करें। I'm getting higher,
just to feel ya, cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, cause I miss you. आप लोगों ने देख लिया होगा और जितने अच्छी तरीके से लगा सकते हैं लगा लिया। रोड के साइड में लगाने की कोशिश करी, ज्यादा गाड़ियों के इंडिकेटर ऑन नहीं करवा रहा, किसी की बैटरी की ट्रेनिंग की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यहाँ पर कुछ मेरे भाई लोग हैं जो लोग यूट्यूब में अगेन कार कम्युनिटी को आगे लेके आ रहे हैं। पीछे म्यूजिक आ रहा है, पता नहीं कितनी आवाज आ रही होगी। क्या नाम है भाई चैनल का? डी ए व्लॉग्स। डी ए व्लॉग्स। अगर भाई का आपको कंटेंट पसंद आया, आपको लगता है कि वर्थ है, बिल्कुल देखो भाई का सफर एक ऐसे सफर एक सफर ए के ए सपोर्ट क्या एक सफर मानव राजपाल। ठीक है भाई, तो तीनों भाई जो ब्लॉगिंग करते हैं, रोज ब्लॉग डालते हो डेली? भाई ये जो डेली ब्लॉग वाला सीन है ना, इसमें आप लोगों को देखने में लगता होगा 10 मिनट की वीडियो 15 मिनट की वीडियो है, बहुत हार्ड वर्क है भाई। और भाई लोगों को सपोर्ट और प्यार मोहब्बत जरूर जरूर देना और मेरे चैनल में वीडियो देखने इनके पास नहीं, इनके पास जाना नहीं है? ऐसा नहीं होता कि इसके पास नहीं, मतलब देखना जरूर, लेकिन वीडियो जो आप लोगों को पसंद आएगी तो सपोर्ट और प्यार मोहब्बत दिखा। सो गाइस ऑलमोस्ट जो है हमारा अच्छा खासा जो जाने वाला पूरा भाई लोगों वाला सपोर्ट है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर एक और ग्रुप, अभी हमें ज्वाइन करने वाले, उनके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बलिनो ग्रुप नाम से उनका जो है ओनर क्लब है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था। सो इधर से हम लोग सीधे हेड कर रहे हैं अपना 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर कितना किलोमीटर है यहाँ से राव होटल? 70 कम ही होगा मेरी गौर से, मतलब 50-55 या 60 किलोमीटर है। तो डायरेक्ट जो हम लोग उधर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और आज जो है मजेदार है भाई, मजा आने वाला आज है। वंश भैया, वंश भैया इको गाड़ी क्यों देख रहा हूँ बताओ? फुल एंजॉय करने वाला हूँ, फुल एंजॉय। ठीक है भाई, मेरा एक भाई है जो कि बल्लभगढ़ से केवल मिलने के लिए आया है, ड्राइव का जो है पार्ट बनने के लिए मिलने के लिए आया, बहुत अच्छा लगा भाई। नाम बताओ? कपिल। कपिल भाई है, कल भाई ने मैसेज भी किया था कि भाई समझ नहीं आ रही लोकेशन, पूरी लोकेशन भाई को हमने समझाई थी, सही तरीके से पहुंचे। हां जी भैया, बढ़िया लग रहा है, हमारे भाई लोग जो आए हुए बहुत फुल पावर, मजा आ रहा है। चलो भाई, तो भाई से कहीं पर मिलो तो बोल देना भाई देखा था हमने कहीं आपको। ठीक है, और ये जो भाई हंस रहे हैं ना, इनके पास बड़ी अच्छी चीज है आज दिखाने को, तो हम लोग जो अभी राव होटल पहुंचते तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, और मेरे को एक अच्छी एक चीज जो आज बहुत डिफरेंट चीज लगी, पुंटो जो कार है, मतलब बहुत, मतलब भाई वो भैया जो है बिल्कुल दूर खड़े हुए लेकिन गाड़ी बहुत ओके है, वो बहुत सही बात है, भागती सही है, बहुत बहुत कम मिलती है देखने के लिए। हाँ, कम देखने को मिलती है भाई। तो रेडी है भाई, तैयारी कर रहे हैं, चलते हैं फिर। सो गाइस हमारा एक और भाई है जिनका चैनल है, भाई भाई बहुत उतावले हो रहे हैं, बता दो भाई क्या नाम है? एमवी मॉड्स मेरे चैनल का नाम है और यही भैया से इंस्पायर्ड है। मैंने शुरू जब भैया से, मतलब भैया को देखकर ही चैनल किया था, आज से 1.5 साल पहले शुरू किया था। ठीक है, और आज मतलब जो भी है थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी नहीं भाई बहुत मेहनत कर रहे हो, और कार्स से रिलेटेड ही है, म्यूजिक सिस्टम हो गया, मॉडिफिकेशन हो गई, यही सब मेरे चैनल में है। एमवी मॉड्स मेरे चैनल का नाम है। सपोर्ट भाई फुल पावर, आपको भी करना है, आपको भी सपोर्ट करना है। You mean it?
We're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow हम लोग अपने ऑन टाइम अराइवल पहुंच चुके हैं। भैया जो है हमको असिस्ट कर रहे थे, आगे चल रहे थे, हम लोग सब फॉलो कर रहे थे। इतने भाई यहां पर पहुंच चुके हैं सेफली, जो पहुंच पाए। इसी के साथ में हमारे साथ एक और भाई जो है हमारे जुड़ चुके हैं, एक बार नाम बताइए। करणदीप। करणदीप भाई हमारे साथ है। आप अलवर तक चल रहे हैं? हाँ, अलवर तक चल रहे हैं। तो अलवर तक चल रहे हैं भाई, और पहली बार डायरेक्ट ड्राइव में? पहली बार। भैया ने हमें ओल्ड राव पे ज्वाइन किया। ओल्ड राव में ज्वाइन किया, ठीक है। और भैया की गाड़ी देखो पहले कौन सी है भाई, फोर्स वाली सुपर पावर गाड़ी जो है, ठीक है। तो भैया को तो मजा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर अगर ऑफ रोडिंग होगी तो हमारी गाड़ियाँ नीचे टच हो रही होगी, लेकिन इनकी पूरी स्पीड में भागेगी, ठीक है। तो इसके अलावा और किसने ज्वाइन किया हमें अभी? अभी हमें और भाइयों ने ज्वाइन किया भाई। क्या चल रहा दादा? अगर ना जाओ भाई, एक बार नाम बता दो भाई, थोड़ा पास आना पड़ेगा कैमरे की, क्योंकि आवाज़ बहुत ज्यादा है। आकाश भाई। आकाश भाई का नाम है। भाई का नाम कहाँ रहते हो आप लोग? गाजियाबाद। भाई गाजियाबाद से आए हो? देखो भाई आप लोग चल रहे हो अंदर भाई, और कौन सी गाड़ी है भाई बताओ? भाई मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी जिसके ऊपर मेरे जिसके हमने शुरू किया भाई, ये सबसे फेवरेट गाड़ी है मेरी, इसको मैं मॉड कराना चाहता हूँ आपकी संडे राइड के लिए। मेरी गाड़ी भाई मेरे को नहीं पता कैसी आवाज़ आ रही, लेकिन मेरे भाई ने बात बोली है कि गाड़ी केवल इसलिए की है कि संडे ड्राइव में आ सके, तो भाई इसके लिए हेड्स ऑफ है। और मेरा भाई गाजियाबाद से आ रहा है, गाजियाबाद नोएडा गुड़गांव इनसे बहुत ही ज़्यादा अपने नाते जुड़े हुए हैं, क्योंकि सारे भाई बंधु जो हमारे इधर से जो है ज़्यादातर आते हैं। तो देखते भाई कैसा रहता है आप लोगों से ब्लॉग। भाई मेरे को सूत्रों के हवालों से पता चला है कि अब जो आप लोगों को अलवर जाते हुए देखने को मिलेंगे, ये भाई है, ये जो फेसेस है ये है भाई, ठीक है, ये भी है, ठीक है, और ये भी है। तो आपका पहली बार एक्सपीरियंस है कैसा, मतलब अभी फीलिंग कैसा है? आपने तो बता दिया, आप बताओ। इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है आपको अलवर तक मजा आएगा मतलब जाने में ना? गाड़ी आराम से तेज चलाओगे, धीरे चलाओगे? सांसा चलेंगे, बिल्कुल सांसा चलाओगे। मैं भी चला लूंगी, ठीक है, तुम भी चलाओगे, लेकिन कोई बात नहीं। गाइस सबके सब बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे, ठीक है। सो अब जो हमारा लाइनअप मतलब अलवर तक पहुंचने वाला लाइनअप है, वो अपनी एक दो तीन चार पाँच छः सातवीं गाड़ी भी है, गाड़ी आगे। वो आगे जा चुके? तेल कौन डलवा रहा था? मैंने बता रहे थे तेल डलवा रहा है कोई। तो हम लोग जो है मतलब सात गाड़ियाँ, तो 14 लोग हो गए ना, तो हम लोग 14 लोग अब जो है पहुँचे हैं। और अभी हम लोग कहाँ रुक रहे हैं? अभी हम लोग रुकेंगे पहले कुछ खाने के लिए, मैं जानबूझ के नहीं, तो हमारा रास्ता सीधा आई गेस वहाँ से स्ट्रेट जाता है। थोड़े से नमकीन ले लिए थे। हाँ नमकीन खा लेते, लेकिन पराठे वाला काम जो है पराठे कर पाएगा।
कैसा लग रहा है सर? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया। रोड भी अच्छी है ये चलाने लिए, अच्छी रोड है। तो आप कुछ बहुत सही लग रहा है। हाँ, अब थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं कहीं पर रोक के, है ना, उसके बाद जो है फिर आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। और बीच में हम लोगों को कई सारे लोग, स्पिरिचुअल लोग भी मिल रहे हैं, जो एक तरीके से खंडा बोलते हैं, खंडा लेके चलते हैं। हाँ जी, तो वैसे ही यहाँ पर जो होता है, क्या बोलते हैं, आपका खाटू श्याम जी है, तो वहाँ के लिए लोग जो यहाँ पर चल रहे हैं, कई सारे लोग आपने देखा होगा रास्ते में रुके भी हुए हैं, रुके हुए हैं, जो आप पूरा झंडा टाइप का लेके चल रहे हैं। यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हैं भैया? यहाँ एक ढाबा है फौजी भोजनालय करके। सही है वो? हाँ ठीक है। पराठे ओके मिलेंगे? पराठे ओके मिलेंगे। और इधर से अब कितना रह रहा है हमारा वो जो पॉइंट है सामने? आई थिंक यहाँ से दिख भी जाएगा। नहीं, 25 किलोमीटर अब थोड़ा होगा अभी, और है 25? अभी 25 तो नहीं है, मतलब 15-20 किलोमीटर है, यही सामने ही तो है इधर। अच्छा, यहीं से? तो एंट्री का क्या होता है वहाँ पर, जो एंट्री का होता है? एंट्री का अभी तक सुनने में आ रहा है कि उनकी अपनी खुद की जो सफारी गाड़ियाँ हैं उनका बता रहे हैं। अच्छा, तो मैंने अपनी परमिशन के लिए अभी बात की है। ठीक है, वहाँ चल के और बात कर लेंगे। चलो, कुछ हमें मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ये तो सफारी तो करके आनी है। और कौन सा क्या दिखा था वहाँ पर? पैंथर वगैरह। पैंथर वगैरह? हाँ, अभी इस वजह से पैदल जाना उधर बंद कर रखा है। चलो बढ़िया है भाई, तो बस सब हो गए फिर, साथ में सब आ गई है ना। चलो चलते हैं। एक शिफ्ट आया है, वो सीधे निकल गए, किसी का नंबर है उसके पास? स्विफ्ट वाले? हाँ, स्विफ्ट वाले वो इधर ही गए। इस तरफ ही गए? इधर गए, कोई नहीं आ जाएंगे, सीधा गए, सीधा गए वो। उनको बुला लो यू टर्न करके। सो गाइस, फाइनली गाड़ियां यहां पर हो चुकी है पार्क, और अब हम कुछ खाने वाले हैं। और ये है फौजी राज ढाबा, इधर चले। हाँ तो भाई, एनर्जी फुल पावर है। एसी वाला है भैया? अच्छा बढ़िया। इधर बैठ जाते हैं, ये इधर बैठ जाते हैं, एसी के पास बैठते हैं बिल्कुल ना। गाइज, अब हम लोगों का खाने का कुछ टाइम हो चुका है। ठीक है भाई, सबके सब भाई लोग जो है वो थोड़े से थके थके से हम लोग लग रहे हैं, क्योंकि रात भर सोई नहीं है भाई, हम भी नहीं सोए रात भर भाई, बिल्कुल भी नहीं। कितने मिनट सोए भाई? मेरे ख्याल से 12-13 मिनट सोए। अरे भाई सही है भाई, नींद तो नहीं आ रही ना भाई? ब्रेकफास्ट का सब भूल जाएगी, ब्रेकफास्ट करने का यही सब भूल जाएगी अभी, लगे सबकी गाड़ियों में आ जाएगी। भाई कैसा रहा भाई, जरा एक बार रियल एक्सपीरियंस रोड का भाई। रोड बढ़िया है ना? कोई आया है इस रोड से इससे पहले? आए हो इस रोड से? ये मतलब अगर हम लोग चाहे तो सीधे डायरेक्ट भी आ सकते थे ना, वो जो जयपुर वाली रोड जाती है, जयपुर वाली से नहीं आ पाते, उसमें तो बीच में एक रास्ता कटता है सिलीसरी लेक वाला। हाँ, वो आगे जाके इधर से। अच्छा, इधर से जुड़ेगा मोहनपुर, वो जो टोल है वहाँ से आना पड़ता हमें। अच्छा, वो लंबा पड़ जाता है। देखो थोड़ा सा एग्जॉस्ट वाली फीलिंग है, अभी सब पराठे खाएंगे तो उसके बाद थोड़ी सी पावर आ जाएगी। चाय कॉफी? एनीबडी? चाय कॉफी यार कुछ भी है? कॉफी चाय रेडबुल पियेंगे, कोल्ड कॉफी पी सकते हैं, स्ट्रॉन्ग। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? बहुत सही, पहला एक्सपीरियंस है, मजा आ रहा है? पूरा मजा। सब सही चला रहे गाड़ी वैसे? सब में एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो थोड़ा सा सोने का तो कोई टाइम है नहीं किसी के पास, नींद खोल देते सारे साइड से निकलते बिल्कुल। सोएंगे कैसे, I-20 वाले ने नींद छोड़ दी। सही है भाई, नींद क्यों उड़ाई है भाई बता दो। अभी कहीं पहुंचते उसके बाद गाड़ियां भी दिखाएंगे। ठीक है, भाई की स्माइल बहुत अच्छी है भाई, ये भाई छुप के स्माइल लेते भाई। अच्छा भाई की गाड़ी है यार, तो बताओ यार बिल्कुल पूरा। अभी क्या स्प्लिटर उड़ गया था आगे से? स्प्लिटर उड़ गया था आगे से, कोई बात नहीं यार, तुम्हें तुम्हारे लिए हम सिंगल स्प्लिटर भी दिलाएंगे तुम्हें। ठीक है, किसी और का भी उड़ा होगा कोई दूसरा पीस तो तुम्हें उसमें से दे देंगे। ठीक है, तो भाई कुछ खा लेते हैं और उसके बाद जहाँ पर पहुँचेंगे फिर बात करते हैं। सो गाइज, हम लोग जो है जहाँ पर हम लोग बैठ के अभी पूरा खाना खा रहे हैं, वो हमारे सर का है। सर, मैं चाहूँगा एक बार अपना नाम ज़रूर बताइए। मेरा नाम अमरचंद मीणा, एज अ प्रेजेंट मैं राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ठीक है सर, और रिटायर्ड हुए मेरे को 22 साल हो गए, 31 मई को हो जाएंगे कम्प्लीट 22 साल। और आने के बाद मैंने खाने का ये मतलब बढ़िया लोगों को बढ़िया खाना खिलाना। हाँ, वो तो देखो, ये एक हमारे सेना में कहते थे कंपनी कमांडर और लंगर कमांडर,
सबको संतुष्ट नहीं कर पाया, कोई ना कोई शिकायत तो करेगा। अच्छा, कोई कहेगा नमक ठीक नहीं है, कोई बोलेगा ये ठीक नहीं है, कोई बोलेगा। बाकी की हमारी कोशिश ये होती है कि हम बेस्ट हो सके खाना खिलाएं। और यहाँ सबसे बड़ी सुविधा ये है कि यहाँ लेट आवर्स तक फैमिली के साथ आ सकते हो, या कोई गुंडागर्दी या किसी की फालतू की वो नहीं, तंग करने वाला कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पीने खाने वाला कोई एंट्री नहीं है, मतलब वाइन वगैरह बिल्कुल एंट्री नहीं है। बहुत अच्छी बात है, पीना तो बहुत बड़ी बात है, पी के कोई अंतर प्रवेश नहीं होता। वेरी नाइस सर, ये शायद हिंदुस्तान का पहला ढाबा है शायद। और आप जो है सर की अभी मैं आप लोगों को फोटोज दिखाता हूँ कुछ, ठीक है, ये पुराने टाइम की फोटो थी, देखो मनीष पॉल के साथ है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ये बिट्टा जी हैं, बिल्कुल, ये हमारे भाव जितेंद्र जी हैं ऊपर साइड में, ठीक है, देख सकते हो आप लोग कितना बढ़िया सर। ये हमारे अलवर के एसपी थे जिन्होंने हमें सम्मानित किया था शुभ काम के लिए, वो किरोड़ी जी हैं, डॉक्टर किरोड़ी, उनका नाम सुना आप लोगों, बिल्कुल सर, वो अमरीश मीना जी जो डीजी है राजस्थान के 9-10 साल, और ये हमारे अपने जवानी का दो टेंट पड़े, हम लोग टेंट एस पी थे, बिल्कुल सर, तंबू पड़े हम लोग सर। एक सीधा आर्मी लाइफ से अब नॉर्मल लाइफ में क्या फर्क है? आर्मी लाइफ का मजा ही अलग है। अच्छा, उनका तो आनंद ही अलग है। अच्छा, तो अगर मौका मिले एक बार फिर से कि आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिले, मैं कहता हूँ सबको छोड़ के चला भाग जाऊंगा। देख लो ये भी एक जो फौज में था वो ये नहीं है। सही बात है, उधर का तो आनंद ही अलग है, अलग तो स्वर्ग है। बहुत बढ़िया लगा सर से मिलके, और कभी भी आप लोग अगर आ रहे हो तो एक बार मेरे को लोकेशन बताइए फिर से एक बार, कभी भी अगर आ रहे हैं। ये अलवर बाईपास है, ठीक है, इसको रूपबास जगह का नाम जाना जाता है, ठीक है, अलवर बाईपास और ब्रिज के नीचे रूपबास फौजी राजा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से कहीं भी पूछेंगे आपको बताएंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सबको मैं बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर विजिट करो, और भैया की वजह से जो हम लोग सर से मिल पाए, भैया ने हमें रिकमेंड किया कि एक बार आपने ज़रूर इधर ट्राई करना है। और अभी आगे हम लोग जा रहे हैं अपना कहाँ पर जा रहे हैं, तो कैसा रहेगा सर एक्सपीरियंस वहाँ जाने का? बहुत बढ़िया रहेगा, हमारे लिए डेली का जैसा आपको तो सबको खास मिले, आप लोगों को नई चीज़ देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी मौका लगे तो महीने के लास्ट संडे आइए, ठीक है, एवरी मंथ लास्ट संडे इधर भंडारा चलता है। अच्छा, लंगर चलता हूँ, होटल का अवकाश होता है। बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे बिल्कुल आ सके। उधर का जो खाना स्पेशल है, वेरी नाइस, खीर मालपुआ खीर, उसका आनंद ही अलग है हर महीने के अंतिम रविवार। चलिए बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे, धन्यवाद, खाना खाते और पूरा टेस्ट लेते। हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोगों ने आना था, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ ऊपर भाई, जरा पढ़ के बताइए। बांध भाई बाग परियोजना सरिस्का अलवर, बाग है, बाग सरिस्का पहुंच गए क्या हम? सरिस्का, हाँ, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व ही तो है आगे सारा। अच्छा, तो मतलब जो हम फोर्ट जा रहे थे वो कौन सा फोर्ट है? वो बाला फोर्ट है, वो ऊपर शायद जो हमें दूर से दिख रहा था वो ये शायद ऊपर को। अच्छा, तो हमने पूरी लोकेशन ही चेंज कर दी, इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता होगा भाई, हम तो आपके पीछे पीछे चलते हैं। तो ये भाई जो है मेरे रह गए थे पीछे, लेकिन भाई फाइनली पहुंच गए, सही तरीके से पहुंचे। भाई हमने भाई का कितना इंतजार किया जरा बताओ भाई, बहुत जगह रुकते रुकाते हैं हमें यार, हम सोच रहे कि भाई तुम हो कहाँ, हमने लगा कि आप लोग निकल गए इसलिए नहीं, नहीं यार हम वेट कर रहे थे आपका भाई, वहीं चलते वहीं मिलेंगे भैया। नहीं सही है भाई, आप आए, बहुत अच्छा किया भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमारी गाड़ियाँ तो जा रही है,
ठीक है, भैया ने परमिशन का करवाया है और बाहर से जो है पूरा आर्मी ट्रक्स आ रहा है और यहाँ आप लोगों का पूरा जंगल वाला जो साइड है ये पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और गाड़ियाँ जो है इधर अभी पार्क्ड है, अच्छी तरीके से चल के आइए, कोई दिक्कत परेशानी बहुत सही रहा, बढ़िया तरीके से आया ना, फीलिंग भी बहुत बढ़िया आई भाई, मज़ेदार था। इस रास्ते पर आपकी गाड़ी कैसे आई होगी भाई? मैं अपनी गाड़ी भाई बहुत प्यार से चला के लेके आया हूँ, बहुत प्यार से चलाई है मैंने। तो आए थे कि ये गाड़ी कैसे आई होगी, अगर इस रास्ते पे होंगे ना तो ऑफ रोडिंग भी थी बीच में यार, हमें नहीं मिली ऑफ रोडिंग, मैं तभी उस रूट से लेके आया। अच्छा आप लोगों को ऑफ रोडिंग मिली होगी, हमारे साइड से कुछ भी नहीं था, तभी तभी भैया लेके नहीं आए क्योंकि मेरी गाड़ी थी, बोलो वो क्योंकि लोकल है भैया तो उन्होंने हमारे लिए स्पीड ब्रेकर जा रहा है थोड़े, जिससे लेकिन सही है भाई गाड़ी फिर भी पहुंच गए ठीक ठाक बढ़िया तरीके से। तो भैया अब अंदर जा रहे हैं, कैसे क्या माहौल होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये 7 किलोमीटर का सरिस्का के अंदर हम लोग जो है जाएंगे, और पहली बार ही जा रहे होंगे आप लोग भी, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो भाई संडे ड्राइव में ऐसा किसी ने कभी किया है? नहीं भाई, नहीं, 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 हमने नेक्स्ट लेवल कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा भी ट्रिप बनता है जिसमें हम लोग एक दिन का स्टे भी रखवाए, पूरा फुल पावर प्यार है और अंदर जा रहे जैसा माहौल होगा आपको बात करेंगे। सो गाइस हम लोग एंटर करने वाले अब यहाँ पर, ठीक है, और हम लोग वेट कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक गाड़ी जो है यहाँ से बाहर निकलेगी फिर हम लोग अंदर जा सकते हैं। आए हैं यहाँ जहाँ का बोर्ड मुझे नहीं दिख रहा है, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट अलवर बफर जोन, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि कल इनको क्या दिखा रहा, पैंथर दिखा, पैंथर क्या पता आज हमें हमारी किस्मत अच्छी हुई, वैसे तो होती तो नहीं है, ठीक है, जो हमारा ग्रुप है वो हम लोग आगे आपको अनकट रखना कोशिश करना, बिल्कुल, कि गाड़ी जो है वो वीडियो जो है अनकट रहे। तो ये सारी गाड़ियाँ साथ में लगवा रहे हैं, गैस हो गई है बहुत ज्यादा, पर ये सारी गाड़ियाँ साथ में क्यों लगा रहे हैं, कि एक साथ जाएंगी सारी गाड़ियाँ? मोस्ट प्रोबेबली ऐसे कुछ होगा, क्या कह रहे हैं आप? सारी गाड़ियों का कारवां चलना चालू हो चुका है वहाँ पे आप देख सकते हो, और वी आर गुड टू लीव नाउ, मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रक है, सॉरी बस खड़ी है ये हमारे पीछे चलेगी, तो अभी आई गेस यहाँ पर सबसे लो गाड़ी मेरी है, ठीक है, तो मेरे को बड़े प्यार से यहाँ गाड़ी निकालनी है, बहुत प्यार प्यार से आराम आराम से, ठीक है, तो मेरा भाई जो मेरे को जगह दे रहा है, ठीक है, सुसु करने गया उसका फेल, अच्छा फ्रेंड सुसु करने गए, और अगर आप टेम्परेचर की तरफ देखते हो तो 40 डिग्री टेम्परेचर है इधर, और हम लोगों को जो यहाँ पर बोला गया है 40 डिग्री दिखा सकते हो, 40.5 है, ठीक है, हमें जो बोला गया कि आप यहाँ से बाहर ना उतरे, अकू मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पास से अगर और थोड़ा व्यू दिखाएंगे ना लोगों को तो उनको अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी प्रीमियम, भाई कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन है ना, लुक्स सो नाइस है, वी आर गोइंग थ्रू द जंगल, और मतलब ये सीरियसली वी आर डूइंग दिस थिंग हमारी संडे ड्राइव में, एंड आई रियली अप्रिशिएट हूसोएवर इज विद अस, जो लोग आए हैं भाई, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, और अपने भाई के लिए प्यार मोहब्बत जो है जैसा उन्होंने बोला कि भाई अपने तो ग्रुप का पूरा सपोर्ट है ही, लुक्स सो नाइस है, और यहाँ पर कल ही पैंथर दिखा था तो मोस्ट प्रॉब्ली आज कुछ दिखे ना दिखे तो आकृति अगर कैमरे से आपको सब कुछ कैप्चर करा रही है, और यहाँ पर और अगर हमें ना दिखे और आपको वीडियो में दिख जाए तो प्लीज हमें मेंशन जरूर करना, और इसी के साथ में एक चीज और है गाइस, यहाँ पर जब आप आ रहे हो प्लीज खाने का सामान ना लेके आओ, कैमरे के लिए भी हमें मना किया था उन्होंने, उन्होंने बस यही बोला था कि आप कैमरे से कहीं बाहर निकल के वीडियो मत बनाने लग जाना, बिकॉज इट्स रिस्की, एंड ये सब चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, ये सब कोई वो ऐसे नहीं बोल देता है, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड फॉलो, और यहाँ लेफ्ट पे देखो, लेफ्ट पे भी कितना अच्छा व्यू आ रहा है, गॉड लुक्स सो नाइस मैन, एंड आई गेस ये सिंगल लेन है या डबल लेन है? सिंगल लेन है, दैट्स व्हाई पहले गाड़ियां निकली हैं फिर हम लोग गए, अच्छा मतलब पहले एक बार पूरी सारी गाड़ी जाने देते हैं ऊपर, हां फिर उसके बाद वहां से ऊपर से कांटेक्ट होता है कि कोई गाड़ी आ तो नहीं है, अगर कोई गाड़ी आएगी तो पहले उसको जाने देंगे और फिर नीचे से गाड़ियां ऊपर जाएंगी, बिकॉज़ यहां पे जगह नहीं है ना इतनी, और जितने लोगों की गाड़ी में वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट लगा था मैंने सबसे पहले बंद करवाया, मैंने उनको बोला कि भाई हम लोग यहाँ के वाइल्ड लाइफ को जो है या वाइल्ड क्रिएचर जो है उनको तंग नहीं करना चाहते, डिस्टर्बेंस वी शुड नॉट डिस्टर्ब देयर एमियंस, वो हमारे एमियंस में आते तो हमें कितना बुरा लगता और हम उनके में जाएंगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट नाइस, पूरा पहाड़ वाली फील जो है वो आप लोगों को यहाँ पर आएगी आएगी, एकदम अरावली की गोद में है हम लोग, नाइस, ओके सो आर्मी के लोग लेके जाते हैं ऊपर जीप में, आर्मी के नहीं होते बेसिकली यहाँ पर वो एक तरीके से टूर गाइड जो आप कहते हैं ना, हाँ हाँ टूर गाइड वाले टाइप का, अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे मेरे
तो ये फुल जंगल है, मोस्ट प्रॉब्ली ये 5 बजे तक ही ओपन होता होगा। वी आर एट द राइट टाइम, 12 बजे हम यहाँ पर डॉट एंटर कर गए थे, 12:08 का भी टाइम हो रहा है। एंड आई गेस इससे पहले भी कितनी गाड़ी आई होगी, लंगूर आप देख सकते हो, ठीक है, अपनी सारी गाड़ी आ गया है। बट हम भी पहले बंदर ही हुआ करते हैं सबके सब, ऐसा बोलते हैं, ऐसा है, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो बंदर ही थे। और देखो इधर साइड में दिखाओ ना, पहाड़ी दिखाओ, आप तो आगे का व्यू दिखा रहे हो, आपको पहाड़ी दिखानी चाहिए, कितनी तगड़ी पहाड़ी जो है बन रखी है। और अभी हम लोग एसी चला के मस्त चल रहे हैं और गाड़ी की एवरेज जो है वो भी बड़ी खतरनाक आ रही है, दिखाओगे? 2.7 है, दिख रही है तुम्हें? हाँ बिल्कुल दिख रही है, 2.7 की एवरेज दे रही है हमारी गाड़ी। तो मतलब पहाड़ में तो इसको हम लेके नहीं जा सकते, जितना तेल डलेगा। अगेन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, शौक का कोई मूल्य नहीं होता, तो जितने भाई देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, तो जितने चला रहे हैं तो यस वंश से भी पीछे एक बार पूरा मतलब सैंडी ड्राइव की, अरे बुझ हम तो ऑलरेडी बहुत पुराने दोस्त हैं, पहली बार आया हूं लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा। और वंश मतलब एंजॉय कर रहा हूं, वंश ने अभी तक की सबसे लंबी ड्राइव कर ली है ये, क्योंकि संडे ड्राइव सबसे लंबी ड्राइव थी हमारी। लकी रहा हूं मैं थोड़ा सा अपने लिए भी। और देखो साइड से भी आप लोग देखोगे यहाँ पर काम वाम भी चल रहा है, और यहाँ पर पैदल चलना जो है वो इट्स नॉट सेफ एनीमोर, मतलब एनीमोर के यहाँ पर आई गेस अलाउड ही नहीं है, बस रोड थोड़ी सी पतली है, तो अगर आप लोग अपनी जैसे BMW या कोई भी जिसके ग्राउंड क्लियरेंस कम है गाड़ी की वो लेके आ रहे हो, तो थोड़ा सा आप लोगों को जो है कॉन्शियस रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मजा आएगा वो आएगा जिप्सी चलाने में। उधर दिखाओ, अक्कू दिखाओ ना, वो देखो, वाह व्हाट अ व्यू, व्हाट अ रास्ता, वाह। वापसी हम इसी रास्ते से आएंगे ना, तो और कौन से रास्ते से आएंगे हम? नहीं, नमकीन गाड़ी के पीछे रखी हुई है। हाँ, उन्होंने मतलब हम लोगों का हाव भाव देख के उन्होंने कहा कि आप जो है गाड़ी के अंदर रख सकते हो, बिल्कुल उन्होंने ये चीज कहा कि आप लोग जो है हमें सेंसिबल लग रहे हो तो रख लो आप, बस आप कुछ मतलब बाहर मत फेंकना, बेसिकली यही बात है। उन्होंने काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। और वंश मैं कहूंगा कि भाई आप थोड़ी सी आकृति के फोन से वीडियोस बनाओ, ये लो अब ये तो वीडियोस हो गई, यहाँ की आपको थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए शूट कर लो। सो गाइस ऊपर जाता हुआ आप लोगों को एक रास्ता देखने को मिलेगा यहाँ पर, अब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि ये क्या चीज है। ये रास्ता होता था जो लोग पैदल जाते थे ऊपर किंग से मिलने, उस चीज का रास्ता। और ये भी आई गेस कोई आपका मतलब किला का ही पार्ट है, किला का ही पार्ट है, ये किला का ही पार्ट है। लुक सो 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 नाइस, क्या लिखा है? जयपाल, जयपाल, this must be a gate का नेम, जयपाल। They're crossing this gate. Most probably यहाँ कोई रहता नहीं है, गंदगी ना फ्लाई, बस ये लिखा हुआ है, साइड में दिखाओगे नहीं, लेकिन लोगों ने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ है। Very nice, very premium. मतलब एक experience होता है ये भी ना, मतलब हमने अक्कू क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोगों को इतना फन होगा? नहीं, मैंने तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, मेरे को तो लगा था हम जाएंगे जैसे दिल्ली के फोर्ट्स होते हैं, फोर्ट में गए, रोड पे ही होगा और फिर वहीं से हम लोग आ जाएंगे। बट ये जो व्यू है, ये जो रास्ता है, इसकी एक अलग ही फील है। तो मम्मी पापा भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी लेके आएंगे, बिल्कुल 100%। सो गाइस अभी पीछे करनी माता का मंदिर था, और साथ ही साथ में ये क्या है हमारा काम करने वाले होंगे, जो सो काइंडली अगर मतलब अभी हम लोग क्या है, वी आर गोइंग ऑन दी पक्का रोड, सो बाय दीस कार्स यू कैन ओनली गो टू पक्का रोड्स। अब जिप्सी से मोस्ट प्रॉब्ली आप कच्चे रोड्स में भी जा सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई ऑफ रोडिंग व्हीकल है, अपनी गाड़ी होगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप भी जा सकते हो। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, लेकिन ऐसा होगा आई गेस। और अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, आप यहाँ आ रहे, तो बाहर जिप्सी भी आप पे भी आप जा सकते हो। सो गाइस मोस्ट प्रॉब्ली ये हमारा कच्चे वाला रास्ता होगा, है ना? हाँ। इसमें जिप्सी लेके जाते होंगे, बांधगढ़ जाते, लेकिन ये कच्चा रास्ता है, उन्होंने कुछ दिया था ना, कहाँ गया वो? इधर से हमें कहाँ जाना है? प्रॉब्ली हमने इस तरफ आना नहीं था, लेकिन उधर कुछ लिखा नहीं हुआ था, तो ये कुछ किला टाइप का है, इधर से हम लोग गाड़ी को बैक करेंगे। वहाँ पे मंदिर है। अच्छा, करनी माता मंदिर होगा यहाँ पर। आप यूटर्न कहाँ से लेंगे सर? मैं इधर से यूटर्न लूंगा, मैं तो बस देख रहा था। अच्छा,
चेतावनी लिखी हुई है वहाँ पर, और थोड़ा BMW के साथ ये सीन है कि आपको थोड़ा मोड़ने में दिक्कत होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली कोई लोग यहाँ पर रहते होंगे क्या? नहीं नहीं रहते तो नहीं होंगे यार। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे अच्छा खासा वाला व्यू जो है वो व्यू तो आई गेस वहां से देखो, यहाँ देखो ये पुराने जमाने के पूरे ओए हिरन 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 ओ वाओ पहले मेरे को लगा डमी है लेकिन नहीं हिरन है असली है क्या? हां हां उसके ऊपर वो ही बैठी हुई है सर के ऊपर। नकली है भाई असली है कान हिले उसके कान हिले हाँ, तो वैसे बिल्कुल रुका कैसे हुआ वो स्टिल है सो रहा है शायद खड़ा खड़ा पता नहीं भाई आप बता देना अगर आपने शायद शायद सो रहा है सही कह रहा है ते वो बता रहे थे कि आपकी गाड़ी कैसे आ गई इतने ऊपर तक क्योंकि वहाँ थोड़े रोड थोड़ा ना खराब था लेकिन हम लोगों को भैया जो ये राजस्थान में इतना पोल्यूशन है या ये बादल नीचे आए हुए हैं क्या है धुंध है ना ये धुंध है ना ये बादल नीचे आए हैं तो फिर पता नहीं क्या है पोल्यूशन ही हो सकता इतना पोल्यूशन राजस्थान में होने का कोई मतलब है नहीं वैसे क्यों नहीं है राजस्थान में देखो इंडस्ट्रीज ना इंडस्ट्रीज का ही होता है पोल्यूशन तो और यहाँ जब यहाँ पोल्यूशन नहीं है लेफ्ट जब यहाँ पोल्यूशन नहीं है तो यहाँ कैसे हो सकता है ये सब लोग हमारे लिए रुके हैं हमारे ही तो लोग हैं तो हमारे लिए ही तो रुकेंगे दिखाने के लिए गाइस स्कूल की आ रही है ना कोई स्कूल की है तो गाइस ऐसे कुछ आपकी सफारी होती है जैसे आप लोगों ने कॉर्बेट में भी की हो बट इतनी गर्मी में लेकिन इतनी गर्मी में ओपन जीप में फील ही अलग है और टैनिंग टैनिंग ही अलग तरीके की हो जाएगी टैनिंग अलग धूप अलग सर दर्द अलग माय गॉड दिस पीपल आर टू डेडिकेटेड टू बी हियर दिस पीपल आर टू डेडिकेटेड अंठा तो दिखाएंगे हमको भैया नसीब हैं आप देख रहे हो ऐसी सब जगह जो है पैंथर छुपते होंगे मोस्ट प्रोबेबली तो वंश आप जाना चाहेंगे अंदर बिल्कुल भी नहीं मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ना ही दिखे जो हमने देखा वो हिरन था कि नहीं था वो हिरन था जागा हुआ थे सोया हुआ वो नहीं पता देखो ये उतर गए जब किधर अलाउड नहीं है ना तो वो जिप्सी वाले के साथ आया ना सो दे कैन अरे मतलब उन्होंने ही बोला होगा आप उतर सकते हो यार काल में अब तो पैर से अरे नहीं तो उतरना ही है भाई क्या है क्या ये तो है बाला कृष्णा किला हम लोग जो है फाइनली अपने मेन स्पॉट में पहुंच चुके हैं लेकिन इसमें बाहर जैसे लिखा हुआ था सर इसका टाइगर वाला सीन तो ये क्या पूरा मतलब कुछ समझ आया ये उसी नेशनल पार्क है ना सर इसका नेशनल पार्क तो उसी के ज्यूरिसडिक्शन में लगता है ये एरिया अच्छा उसके साथ ही आता है तो हम लोग बाला फोर्ट पहुंच गए आपको लग रहा हो मैं झूठ बोल रहे हैं ऐसा झूठ नहीं बोल रहे ठीक है ये रहा आपका बाला फोर्ट का पूरा ऐसे लगा हुआ है और अभी तक का ऊपर आने मतलब वर्थ था ऊपर आना बहुत सही एक्सपीरियंस है मतलब ये अनएक्सप्लोर्ड है आज तक किसी ने दिखाई नहीं है चीज हम कुछ अलग चीज दिखा रहे हैं बहुत सही है भाई मतलब इसको आप ड्राइव बोल सकते हो है इसको ड्राइव बोल सकते हो या फिर इसको मतलब एक लॉन्ग राइड बोल सकते हो तो भाई जितने लोगों ने हमें पहले ज्वाइन किया और यहाँ तक नहीं पहुँचे वो लगेगा उनको कि भाई आना चाहिए था उसको सबसे ज्यादा बुरा लगेगा वो बोलेंगे फिर से कर दो बहुत गलत पछताएंगे चलो भाई एंटर होने के बाद तो बिल्कुल लग रहा ना पछताना चाहिए चलो भाई हमने सबने मास्क पहन लिया गाना तो गा दो तू रोएगा पछताएगा चलो चलो गाइस लेट्स गो इनसाइड राजस्थान टूरिज्म इधर हमारी सारी व्हीकल जो है हमने पार्क कर दिया मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं वीडियो नहीं बना सकते
इतनी सारी YouTube में वीडियो भैया नहीं नहीं सर लाइव नहीं है देखो ना लाइव क्यों डालूंगा लाइव बाद में डालूंगा घर जाके डाल सकता हूँ ना घर जाके डाल सकता हूँ। तो ये आप लोगों का ट्रेडिशनल आप लोगों का जो पूरा एंट्री होता है वो आपको देखने को मिलेगा। इट लुक सो सुपर डुपर नाइस। तो अभी तक की हमने जितनी ड्राइव करी है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है। हाँ। ये हमारी ड्राइव है जो करीबन 8 से 9 घंटे जाने वाली है। और भाई ये शक्लें देख लो भाई, ये शक्लें वो है भाई जो मतलब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते थे, इन्होंने एक्सप्लोर कर निकाला है। तो हमारे साथ भैया काम है भैया। अच्छा भैया एक चीज़ कुछ इधर के बारे में आपको पता है? मतलब बताते हैं कि इस फोर्ट पे जैसे पहले के टाइम पे राजा जो थे यहाँ पे कोई कुंड बताते हैं जो अच्छा। कहानी यहाँ की प्रचलित है कि उस कुंड में इतना मतलब अभी भी खजाना वगैरह बताते हैं। अच्छा वहाँ पे कोई गुप्त उसके नीचे रास्ता है क्या है? चलो फिर ढूंढते हैं। आज तक कोई उसको टुम्बाड़ खोज नहीं पाया। अगली ड्राइव में ढूंढ सकते हैं। अगली बस ये खबर दे दिया सोना है। हम सब मिलके ढूंढ सकते हैं। ए डब्ल्यू के नीचे है। डब्ल्यू के नीचे एक बड़े डब्ल्यू के नीचे एक बड़े डब्ल्यू के नीचे बाला किला तो भी होगा ना। यहाँ पे करनी माता का मंदिर भी है वो मैंने देखा स्टार्टिंग में। बिल्कुल जो जो वहाँ पे है नीचे जाकर नवरात्रों में काफी भीड़ रहती है वहाँ। अच्छा अच्छा यहाँ पे टू व्हीलर से भी आ सकते हैं आप लोग? हाँ टू व्हीलर से अभी फिलहाल तो शायद मना कर रखा हो। अच्छा मैंने देख एक दो लोग वो शायद वैसे जैसे लाइजन वाले होंगे। हाँ लाइजन वाले। और मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ग्रीनरी के बारे में बात करोगे तो ट्राई तो किया हुआ है लेकिन आई गेस राजस्थान की वैसे इतनी ग्रीनरी है नहीं। नहीं ग्रीनरी बहुत है लेकिन अभी थोड़ा मौसम पतझड़ का चल रहा है ना। अच्छा इस वजह से नहीं तो आप आओगे जैसे सितंबर अगस्त में ना तो एक अलग ही वो दिखेगा लगेगा नहीं रास्ता में। वेरी नाइस। और इसके अंदर इसमें एक माता और है जो राजा के टाइम पे निकुंभ महल में नर बलि चढ़ाई जाती थी उनके। जो अभी आप जंगल में चलोगे तो वो निकुंभ महल जंगल के अंदर बना हुआ। आप फोटो ले भैया लो मंच परिक्रमा शूज उतार दो। आज अंदर चलते हैं ना परिक्रमा वाला हुआ क्या? नहीं दर्शन है। अच्छा यहाँ पर क्या है जो ये देखो इंडियन जो है ना वो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं अपने दिखाने के लिए ना। इंडियंस की आदत बहुत खराब है। देखो सब जगह अपने नाम ये देखो सब जगह अपने नाम लिख के गए हुए। ये सबसे ज्यादा इंडियंस की कमी है। ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। भी नहीं करना चाहिए भाई। नहीं सुधर सकते कुछ नहीं कर सकते। ऐतिहासिक चीज हो गई ऐसा ऐसी कर रहे हैं तो भाई कैसे कहलाएंगे?
कि हम हिंदुस्तानी है, इसलिए तो ओनर आके यहाँ थोड़ा लिख के जा रहा है, मैं स्टीव हूँ। देखो इतने बुरी हालत है इस देश की। भाई चिराग भाई तुम्हारा नाम भी लिखा है। चिराग भाई तुम्हारा नाम लिखा है गाइस। यहाँ पर भी देखो पूरे देश भर में आपको दिखाना है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम ऐसी हरकतें करेंगे। ये देखो क्या क्या यहाँ पे लिखने से क्या प्यार अमर हो जाता है। लाइट का कनेक्शन उस जमाने से है। जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब हम ऊंचाइयों में जाना चाहते हैं, जिन ऊंचाइयों में ये किसी टाइम पे कोई और जाते होंगे। और यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ कि दिलबाग के छींटे जो है लोगों ने मारे हुए। थोड़ा देख के आइएगा जरा सर। On the tops. हम उन ऊंचाइयों में पहुंच गए। आ जाओ ऊपर आ जाओ साइड से छोटा सा रास्ता। चलो उस तरफ। चलो ना मजा आ रहा है ना, मतलब लिटरली गर्मी बहुत ज्यादा है, सांस भी चढ़ रही है। लेकिन अच्छी तो यहाँ से अलवर दिखता है। हाँ अलवर दिखता है पूरा उस साइड से। अच्छा उस कॉर्नर से अलवर पूरा क्या दिखेगा? अलवर सिटी। अच्छा मोस्ट प्रॉब्ली ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है बिल्कुल। आपको पता नहीं क्या दिख रहा होगा, मुझे तो दिख जा। तो अब एक हम फाइनल फोटो लेते हैं इधर, फिर मजा आएगा। हम उस रास्ते से आए थे, वहाँ पे वो पॉइंट था जहाँ से करनी माता का मंदिर था और बुरा मंदिर। अच्छा तो भाई मजा आ गया वंश। जिंदगी जीने के दो तीन तरीके, लेकिन आज एक तरीका पता चल गया। सही बात है कि पहले सांस ले लीजिए और फिर एक्सप्लोर करा जाए। 3, 2, 1 कूदो, सब कूदो, दोबारा कूदो, कूदते रहो कूदते रहो। ओके गाइस सो इट वाज सुपर डुपर फन, मजा आ गया। जहां से हमने स्टार्ट किया था, जो हमने प्लान किया था, फाइनली वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया हमेशा की तरह। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एंजॉय किया। कंफर्टेबल था सब कुछ? बहुत बढ़िया रहा। कैसे हमारे जितने भाई बंधु है सब कैसे लगे आपको? एकदम बढ़िया लगे सब। तो भाई लोग तो हमारे साथ हमेशा आते ही है ड्राइव में, ठीक है? तो आज हम लोगों को ज्वाइन किया। मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी हर ड्राइव में आओ। बिल्कुल बिल्कुल फुल एंजॉयमेंट होगी। वंश भाई की पहली ड्राइव थी और तो इसी के साथ में गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्यार मोहब्बत सब कुछ। इंस्टाग्राम मुसाफिर@1711, फेसबुक मुसाफिर स्क्वाड। सो विद दिस सेट गाइस करते हैं आज की इस वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वाचिंग एंड सब कर दो ऐसे ऐसे कर दो। बाय बाय।